आपको कैसे हेल्प चाहिए मेरी बताइए। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है? अच्छा। हाँ, आपको ये बोलना है कि अर्जुन की और मेरी शादी हो रखी है। अच्छा। हाँ, ऐसा उसको बोलना है, ठीक है? अच्छा। और हम लाइफ में बहुत खुश है और तू यहाँ से मतलब पक्का इस चीज में हेल्प करोगे? हाँ डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी। वादा करो। वादा। आज कुछ नया होने वाला है तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना। तो दोस्तों आने दो अनुष्का को। आपने मुझे बुलाया? हाँ यार बिल्कुल। वैसे तो मैं सब समझ चुकी हूँ आपकी प्रॉब्लम जो भी चल रही है। बिल्कुल। क्या ही बोलूँ, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई आपके साथ। यार काफ़ी टाइम से चल रही है, मैं परेशान हो चुका हूँ। आपको दो दिन में आप समझ चुके हैं कि यार मेरी लाइफ में क्या क्या हो रखा है। तो यार काफ़ी टाइम से बहुत ही परेशान हूँ मैं, तो इसीलिए मैं बोला चलो यार, मेरे को एक्चुअली आपकी हेल्प चाहिए थी कि मैं बोला चलो आपको हेल्प कर सकूँ, इसकी वजह से मैंने आपको बुलाया था। हेल्प? हाँ हेल्प के लिए। आपको कैसी हेल्प चाहिए मेरी बताइए। पता नहीं यार आप करोगे। मैं चाहती हूँ कि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में जो है आप, कैसी हेल्प चाहिए आपको? देखो यार वैसे जो मेरा मामला जो चल रहा है ना बाल विवाह वाला, मतलब जो लड़की है ना उसके लड़की ठीक है वो, मतलब आपको मैं अगर डिटेल में बताऊं तो लड़की ठीक है पता है, लेकिन मासूम भी है और एक होता है ना कि इतना मतलब एक नॉर्मल ही लड़की है, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं चलती है ना उसके फैमिली के मतलब फैमिली का मानती है वो, जैसे उसके मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं तो वो ऐसा करती है, ठीक है? हाँ मम्मी पापा बोलते हैं कि उसके खिलाफ वो कर ले, वो कर लेती है, ठीक है? अच्छा। तो यार वैसे तो अच्छा, मेरे मतलब अपनी फैमिली से मजबूर है वो। हाँ अच्छा। बस यार पता नहीं यार उसको मैं बहुत मतलब एक विलन टाइप का लग रहा हूँ मैं कि यार हाँ वो ही गलत है, मैं मेरी लाइफ में मेरी लाइफ उजाड़ने वाला वो ही है। क्योंकि फैमिली वगैरह तो भड़का भी तो रहे होंगे ना, बोल रहे होंगे। हाँ हाँ, तो इसलिए वो सोचना तो पड़ रहा होगा। बिल्कुल होता है, फैमिली बोलती है। हाँ तो वैसा ही हो रखा है और वैसा ही वो कर रही है। मैं उसको काफ़ी मतलब हम एक दो बार मुलाकात में मैं समझाया कि फैमिली का मत माना कर, लेकिन उसके दिमाग में फैमिली 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 पूरी घुस चुकी है, ठीक है? तो यार देखो जो बंदा फैमिली का माने या फिर मेरे को उल्टा सीधा बोले तो हमें नहीं लगता कि यार आगे जाके पता नहीं हम साथ में रह पाएंगे। यार मैंने काफ़ी कोशिश की उसको मनाने की लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा। हाँ तो अभी मैं जो चाहता हूँ, आपने कोशिश की है उन्हें मनाने की? बिल्कुल बिल्कुल मैंने कोशिश की यार, मैंने मिले आप उनसे? हाँ दो बार मैं मिल चुका हूँ वैसे। अच्छा। लेकिन किसी के थ्रू भी मैंने बोला था कि, लेकिन वो नहीं मान रही है यार। लेकिन हमें ना आपकी हेल्प के लिए मैंने बुलाया कि चलो यार मतलब कुछ न कुछ गेम खेलते हैं, कुछ न कुछ करते हैं कि यार वो कैसे भी यहाँ तो मेरी लाइफ में आ जाए या फिर बिल्कुल पीछा छूट जाए। पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब मैं इसमें क्या कर पाऊंगी? अच्छा मतलब देखो करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर आप मेरी हेल्प करो तो शायद मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन हाँ शायद मैं अगर मैंने जो सोच रखा है ना अगर वो करें तो शायद हो सकता है मेरी हेल्प। तो गेम खेलना है हमें? गेम खेलना है। कैसा गेम? देखो गेम ये खेलना है कि देखो जैसे समझ लो कि एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि अगर कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है अगर उसको पता चले कि उसकी शादी हो रखी है तो शायद वो कहीं कहीं दूर हो
दूर हो जाए ऐसा ऐसा मेरा मानना ये है कि अगर हम कुछ फेक डॉक्यूमेंट बनाएं, ठीक है, ऐसे ही मतलब नॉर्मल बन जाता है वैसे कोई नहीं, अगर फेक भी ना बनाए तो आप उस लड़की को मिलो, ठीक है, मैं तो मेरे दिमाग से तो बाहर है कि वो लड़की क्या कहना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप एक बार उसको मिलो और मिल के उससे बात करो, ठीक है, पहले तो वो पहली बात तो वो ये है कि आप समझो कि वो क्या कहना चाहती है, ठीक है, और फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है, अच्छा, हाँ, आपको ये बोलना है कि अर्जुन की और मेरी शादी हो रखी है, अच्छा, हाँ, ऐसा उसको बोलना है, ठीक है, अच्छा। और हम लाइफ में बहुत खुश है और तू यहाँ से मतलब क्यों ऐसा कर रही है, तो वो ये नहीं सोचेगी कि आप भी आप मिले थे, आपने बताया नहीं उसे, नहीं वो उसको तो ये झटका देना है ना एकदम से, तो पता चलेगा ना उसको कि हाँ यार ये क्या मैं सुन रही हूँ, तभी तो कुछ होगा ना, बात और बढ़ गई तो देखो मेरी बात मैं कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ी तो हो चुकी है यार, वो भी बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट, यार क्या बोलूं मैं, हाई कोर्ट तक तो मामला है, ठीक है, तो इससे क्या बात बढ़ सकती है, अगर बढ़ेगी तो भी देखेंगे क्या, लेकिन शायद इससे सॉल्यूशन आ सकता है या फिर नहीं आएगा तो भी देखेंगे, लेकिन हाँ अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार एक मिलो, लेकिन बीवी की तरह मिलो कि हमें अर्जुन की बीवी हूँ, ठीक है, ऐसा मिलो आप उससे, पता नहीं मेरी फैमिली को थोड़ा लगे ना कि मतलब किसकी आप... शादी तो हुई नहीं, ऊपर से तो नाटक कर रही है, अरे मेरी बात सुनो, देखो इसीलिए ना इसीलिए मैं आपको बात करने के लिए बुलाया हूँ कि क्या आप मेरी इसमें मदद करोगे, क्योंकि मदद तो मैं कर सकती हूँ, हाँ, क्योंकि अगर इससे आपका जो भी आपकी लाइफ में सॉल्यूशन होता है तो अच्छी बात है, ठीक है, एक्चुअली मेरी भी फैमिली है, मुझे उनसे भी पूछना पड़ेगा क्योंकि एक शादी बहुत बड़ी चीज होती है ना, उसने कुछ और कर दिया, अरे यार देखो तो... मेरी बात सुनो, शादी करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, उस करना है, बस खाली उनको बोलना है एक बार, उनके रिएक्शन जानने उस लड़की के कि वो क्या कहना चाहती है, चलो ठीक है, बस खाली यही करना है, तो देखो मैं आपको तो मैं उनसे मिलूं, हाँ आप ये चाहते हैं, हाँ मैं देखो मेरी बात सुनो, वो मैंने आज उसको बुलाने वाला था मैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं उसका मोबाइल बंद आ रहा, पहला तो दो बार रिंग गई, उसके बाद में स्विच ऑफ कर लिया, पता नहीं मेरे से परेशान है कि नहीं, हाँ लेकिन उससे कुछ बातें करने के लिए मैं बुलाऊंगा, अच्छा। तो उस वक्त मैं भी मौजूद रहूंगा लेकिन मैं दूर रहूंगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, और इस वक्त है ना हम शूट भी कर रहे हैं, देखो वहाँ पे एक तो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, देखो ठीक है ठीक है, और एक वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस वक्त हमने मतलब देखो इसी तरह आपके साथ में भी वीडियो बनी है, काफी दूर दूर कैमरे लगते हैं, ठीक है, तो ना वो सारी चीजें हमें कैमरे में दिखानी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम एक फेक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मुझे तो नहीं पता इससे क्या होने वाला है, क्या आपको क्या लगता है ये सॉल्यूशन सही होगा, कुछ होगा इससे, पता नहीं वो मानेगी या और ऊपर चढ़ जाएगी, पता नहीं, देखो यार लड़कियां तो ऐसी होती है, बिल्कुल यार सब बात सही है, देखो उसमें पता है गाइस मैं इसीलिए इनकी हेल्प ये लेना चाहता हूँ, देखो पहले तो ये बता देता हूँ कि अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, ठीक है यार, वो मेरी वीडियो में आती रहेगी और मेरी हेल्प करेगी ये हर चीज़ को लेके, तो हम यार इस चीज़ से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, ठीक है, कि यार वो कैसे भी करके दूर हो जाए, यहाँ तो अपना ले मुझे यहाँ फिर दूर हो जाए, करीबन 8 साल हो गए हैं, ठीक है, इस बात को लेके मैं परेशान हो चुका हूँ, ठीक है, तो यार कुछ कुछ करते, तो मैंने उनको सजेशन दिया जो आपने सुना, ठीक है, तो हम अभी ये करेंगे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम वो आएगी, पक्का आएगी, उसको बुलाएंगे कैसे भी करके बहाना मार के, ठीक है, वो आएगी और आने के बाद में उसको इसी तरह बात करेंगे, ये मेरी वाइफ है, ठीक है, और मैं हम शादी और मैं तो वाइफ नहीं लग रही इस टाइम अरे नहीं कभी उसको ये ना लगे क्योंकि नहीं वो तो लग रही हूँ मैं वाइफ, बताओ तो मेरी बात सुनो, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगने वाला क्या मतलब, देखो वाइफ होने के बाद भी तो जींस पैंट लोग पता लड़कियां कितना देखती हैं, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ शायद वो मान जाए या फिर उनको गुस्से में आपको बोलना है थोड़ा कि देखो अर्जुन की और मेरी शादी हो रखी है और कैसे भी करके वो अभी दूर हो जाए, ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी, आप ठीक है, तो गाइस देखो हमने हाँ ठीक है, और हमारे जो है दोस्ती का रिश्ता पहले बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा कभी कॉमेंट ना करें कि यार शादी कर लो, ऐसा नहीं यार, हम एक दोस्त बन के रहेंगे, ठीक है, और दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं टूटता है, ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है, तो गाइस अभी आज की जो वीडियो थी मैंने इसीलिए मैं बोला चलो यार कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें आपको बताएं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो इनकी मदद से शायद मुझे पता है कि इससे बातें बढ़ भी सकती है, इससे बातें बढ़ भी सकती है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती,
ठीक है, और कोशिश करने में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, गेम ही तो खेलना है थोड़ा, बिल्कुल, अब ठीक हो या ना हो, सही है। तो यार अब इनसे हम मिले हैं अभी, ठीक है, और अभी मैं आज तो नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है, कल परसों दो तीन या चार दिन के बाद में जब भी हो, ठीक है, तो उसको हम बुलाएंगे, और बुलाने के बाद में आपको ये करना है, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट या फिर बना देंगे, या फिर डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक गुस्से में बातों से मान जाएगी, आप टेंशन ना लो, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको ये बोलना है कि मतलब वो आप पे चढ़ेगी भी, हाँ। तो इस चीज को बुरा मत मानना, वो आपको नहीं, उल्टा नहीं, हाँ। क्यों बुरा मानूंगी, मुझे पता है अब ऑब्वियसली आपकी वाइफ है वो, नहीं वाइफ मत बोलो यार, वाइफ होती तो ऐसा थोड़ी करती, वाइफ ऐसा कर देंगे, आप ही तो बोल रहे ना थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, क्या पता वो ना चाहती हो, करना पड़ रहा है, वो तो पता चल जाएगा, वो तो मैं पता लगा ही लूंगी, कोई वो देखो अगर बात सही है आपकी, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि वाइफ, अगर वाइफ होती तो ऐसा काम थोड़ी करते, अगर समझ लो मेरे खिलाफ अगर कोई आपको भड़काएगा तो आप पहले क्लियर तो करोगे कि अर्जुन हाँ वो बंदा आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, बिना क्लियर किए बिना कुछ किए वो बहुत क्लियर करना ही तो नहीं होता, अपने मन से बना लेते हैं ना, उससे तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, वही तो आप पक्का इस चीज में हेल्प करोगे, हाँ डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी, वादा करो, वादा। ठीक है, मुझे भी मजा आएगा और शायद मजा भी आएगा और हेल्प भी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूँ वैसे सच में दिल से कि जो भी आप चीजों में यहाँ मतलब थोड़ा फंस गए हो आप इसे बाहर निकलो, बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना घर पे है ना बाहर है ना कहीं और सोच सकते हैं, अटके हुए हैं बीच में, तो ये चीज तो समझ सकती हूँ मैं, सही, तो चलो गाइस हो जाएगा सही, हाँ ये अभी हेल्प करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो कि क्या होता है, क्या होता है देखेंगे, ठीक है, क्या होगा, गुस्सा होगा उसमें बहुत सारा गुस्सा, चलो ठीक है, बाय, ओके बाय। प्रेमनी बातों आपने करशु सुख ने दुख जोड़े रेशु राधा कृष्ण।